उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का क्या स्तर है, यह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ के सिवा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यूपी के सरकारी शिक्षकों को तमाम तरह के वेतन भत्ते को लेकर केवल धरना प्रदर्शन करना आता है। यही वजह है कि सरकारी शिक्षक इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं इन स्कूलों में उन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रखा है। ऐसा ही एक मामला बरेली के नवाबगंज ब्लॉक क्षेत्र के एक स्कूल से सामने आया है, जहां पढ़ाई के नाम पर स्कूल जाने वाले बच्चे मिड डे मील की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस स्कूल में बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हां, अगर कहें कि यह सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं बल्कि घुइयां छील रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि यहाँ बच्चे पढ़ाई के बजाय घुइयां ही छील रहे हैं, जिसकी जानकारी होने पर ग्राम प्रधान की तरफ से इस मामले को VSA से शिकायत की गई है, जिसमें ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा या फिर घुइयां छिलवाकर इनके भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।